मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचार का जोर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में प्रचार की कमान महाराष्ट्र के मराठी, भांसी और बीजेपी नेताओं ने संभाल रखी है। इसी क्रम में बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुरहानपुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस वादों की जुमलेबाजी करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को फिल्म गजनी की तरह भूलने की बीमारी है। जब यह चुनाव जीत जाते हैं तो जनता से किए सारे वादे भूल जाते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बीजेपी की सरकार गरीब कल्याण के काम कर रही है। मोदी जी पूरे देश में लगा रहे हैं, क्या उसके साथ फिर एक बार मध्य प्रदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका हिसाब लेने वाला ये चुनाव है। दोस्तों, जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेसियों के जुमले शुरू होते हैं। ये लोग आकर आपको चाहे जो आश्वासन देते, अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कभी राहुल गांधी आते हैं, कभी प्रियंका गांधी आती है, कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी कहते हैं वो कर देंगे। कमलनाथ जी भी रोज नए आश्वासन देते। इनको एक बार पूछिए, आपने छत्तीसगढ़ में आश्वासन दिए थे, कौन से आश्वासन पूरे किए? आपने राजस्थान में आश्वासन दिए थे, कौन से आश्वासन पूरे किए? अरे ये लोग तो ऐसे, एक कांग्रेसी गांव पहुंच गया और गांव में पहुंचने के बाद बोला आपके गांव में स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, आपके गांव में पुलिया बनाएंगे। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, बोला कैसे पुलिया बनाएंगे, हमारे गांव में ना नदी है ना नाला। बोले कोई बात नहीं, पहले नदी और नाला बनाएंगे फिर पुलिया बना देंगे।